ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि हम बेसिक रूल, जो हमारा बेसिक रूल ऑफ लोकेशन है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो हमारा बेसिक रूल कहता है, बेसिक रूल के हिसाब से जो हमारे पार्ट लोकेटर होते हैं, पार्ट लोकेटर का मतलब ऐसे डिवाइसेस, चाहे वो जिग हो सकते हैं चाहे वो फिक्सचर हो सकते हैं, जो किसी पार्ट को लोकेट करते हैं एक सर्टेन पॉइंट के अराउंड में। तो लोकेट करते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे जो पार्ट है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाती है। वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तथा उसके साथ साथ उचित स्थिति बनाए रखते हैं, उसके साथ साथ उचित स्थिति बरकरार रखते हैं, बना के रखते हैं, जिससे कि जो हमारा उस पर वर्क करना है, डिजाइन करना है, जो स्किल है लगेगा हमारा, उसको जॉब को कन्वर्ट करने में वो कम लगे, आसानी से काम किया जा सके। तो देखिए, टूल डिजाइन करते समय सारी योजनाएं बना ली जाती हैं, तथा तो बिना विचार किए हुए कि हमें किस तरीके के पार्ट बनाना है, ये काम नहीं करना चाहिए। अब देखिए, एक टूल डिजाइनर को सदैव यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो लोकेटर की स्थिति ऐसी रहे, लोकेटर का मतलब जो पार्ट को लोकेट करने वाला है, वो उस पे जो ऑपरेटर है वो आसानी से काम कर सके, जो भी मशीनिंग करना है उसको ऑपरेटर को आसानी से वो कर सके, तथा जो हमारा टूल में कंपोनेंट का एक्यूरेट प्लेसमेंट आसानी से कर सके। इसके साथ साथ कंपोनेंट को जिग या फिक्सर में उसको खोलना बंद करना, ये सब भी आसानी से संभव हो सके। तो सबसे पहला जो नियम हमारा है, कुछ लोकेशन को कुछ बेसिक नियम है। सबसे पहला जो नियम है कि जो एक टूल डिजाइनर को सदैव यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो लोकेटर है उसकी स्थिति इस प्रकार रहे कि वह वर्कपीस को किसी मशीनिंग सतह पर संपर्क करे, तथा टूल में कंपोनेंट के यथार्थ सत्यापन यानी एक्यूरेट प्लेसमेंट तथा जिग अथवा फिक्सर की पुनरावृत्ति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है। दूसरा क्या है कि लोकेशन को, लोकेटर को यथासंभव दूर स्थापित करना चाहिए, लोकेटर को यथासंभव दूर स्थापित करना चाहिए। इसके लिए कुछ लोकेटर्स का प्रयोग किया जाता है, तथा लोकेशन सतह के ऊपर पूर्ण संपर्क सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो सतह है, लोकेशन की सतह है, उसके बीच और वर्कपीस के बीच में सही से कांटेक्ट ही डेवलप ना हो पाए। तीसरा हमारा है, लोकेटरों को चिप अथवा डस्ट के साथ बाधा नहीं होने देने के लिए स्थापित करना चाहिए कि इनके ऊपर, इसका मतलब यह है कि इनके ऊपर चिप या डस्ट का जो है वो लेयर या जो वर्क हम कर रहे हैं, इस तरीके से डिजाइन इनकी रखी जाए कि इससे उस पे कोई बाधा ना पड़े। यदि यह संभव ना हो तो लोकेटर को हटा देना चाहिए। फिक्स शॉप लोकेट लोकेशन को या तो टूल बॉडी शॉप में मशीनिंग द्वारा बनाया जाता है या इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉल लोकेटर में प्रयोग में प्रायः अधिक इकोनॉमिकल होते हैं, क्योंकि मशीनिंग लोकेटर, मशीनित लोकेटर बनाने में समय अधिक लगता है, जो कि घिसे हुए इंस्टॉल्ड लोकेटरों को बदला जा सकता है। इसलिए पूरी बॉडी को दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा पॉइंट हमारा है, वांछित यथार्थता को बनाए रखने के लिए टूल टॉलरेंस, अवेयर टॉलरेंस के 20% से 50% तक मध्य रहना चाहिए। यानी जो टूल का टॉलरेंस है और जो कंपोनेंट का टॉलरेंस है, ये भी जो रिलेशन है वो 20 से 50% रहना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, फुल प्रूफिंग। तो फुल प्रूफिंग क्या है भाई? फुल प्रूफिंग आवश्यक होनी चाहिए, अर्थात टूल में पार्ट की केवल उसी सही स्थिति को फिट करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उचित स्थिति में
फुल प्रूफ पिनों का उपयोग किया जाता है जैसे कि गलत प्रविष्टि इंसर्ट ना ही हो। और लास्ट पॉइंट जो जरूरी है वो है कि डुप्लीकेट लोकेटर्स जो न केवल महंगे होते हैं बल्कि ये पूर्णतः एक्यूरेट भी नहीं होते, इसके प्रयोग से बचना चाहिए। एक बार जब लोकेशन का निर्धारण हो जाता है इसके बाद निर्देशित सतह के संदर्भ के लिए कोई अन्य लोकेटर प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे टोटल छह जो है लोकेटर थे जो इनके नियम थे कि अभी आपको थोड़ा सा समझने में कम समय में आएंगे क्योंकि ये याद करने वाली चीजें हैं, इसमें एज सच कुछ समझने जैसा नहीं है, अप्लाइड जैसा नहीं है कि कोई डेटा आसानी सीधे समझा जा सके। इनको बस आपको याद करना है और ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ट्यूट में भी लिखिएगा, बेसिक रूल फॉर लोकेटिंग लोकेशन या लोकेटिंग, बेसिक रूल क्या क्या है लोकेटिंग का वो आपको उसमें भी लिखना पड़ेगा। फिर से देखिए एक बार, हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं, जो बेसिक नियम हमारा टूल का है वो पहला नियम है कि जो टूल डिजाइनर उसको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोकेटर है उसकी स्थिति इस प्रकार रहे कि वर्कपीस को किसी मशीनिंग सतह पर संपर्क करे, यानी वर्कपीस और उसका संपर्क किसी मशीन सरफेस पे ही हो। जिससे क्या फायदा होगा, इससे टूल में टूल तथा कंपोनेंट के एक्यूरेट मेजरमेंट या स्थापन प्लेसमेंट तथा जिग व फिक्सर की पुनरावृत्ति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है। दूसरा क्या है, लोकेटर को यथासंभव दूर स्थापित करना चाहिए, इसके लिए कुछ लोकेटर्स का प्रयोग करना चाहिए तथा अवस्थापित सतह के ऊपर पूर्ण संपर्क सुनिश्चित करना चाहिए। तीसरा क्या है, अवस्थापकों को चिप्स अथवा डस्ट के साथ बाधा को ना होने देने के लिए स्थापित करना चाहिए। और यह वांछित अर्थार्थता को प्राप्त करने के लिए टूल टॉलरेंस अवेयर टॉलरेंस के 20-50% के बीच में रहना चाहिए और फुल प्रूफिंग अवश्य होनी चाहिए, अर्थात टूल में पार्ट या को केवल उसकी सही स्थिति की में ही फिट करना सुनिश्चित होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उचित स्थिति में फुल प्रूफ पिनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये सारी बातें बताई जा रही है क्योंकि ये जो कुछ नियम है इनको आपको याद करना है, इनको सीधे समझ के काम नहीं चलने वाला। जब तक आप इसे याद नहीं करोगे इससे कुछ काम नहीं बनेगा। आगे देखिए, जो डुप्लीकेट लोकेटर्स हैं वो ना केवल महंगे होते हैं बल्कि ये पूर्णतः एक्यूरेट नहीं होते हैं, इसीलिए इनके प्रयोग से बचना चाहिए। जब एक बार लोकेशन का निर्धारण हो जाता है तो इसके बाद निर्देश सतह से इस संदर्भ में कोई एक बार इसके संदर्भ में कोई अन्य जो है लोकेटर उपयोग में नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक नियम थे हमारे। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन और फिर उसके बाद हम 3-2-1 प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। ये हमारे 3-2-1 प्रिंसिपल जो है ये कल का टॉपिक रहेगा। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन यानी उसका सिद्धांत क्या है, अवस्थापन का क्या सिद्धांत है। डिजाइन में लोकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, टर्म है, जिस किसी जिग का या फिक्सर के डिजाइन में सही सही लोकेशन करने की व्यवस्था जो है वो कुछ सिद्धांतों पर बनी होती है, जिन सिद्धांतों का अनुसरण करना बहुत ही आवश्यक है। पहला क्या है कि हम जानते हैं कि किसी स्पेस में किसी वस्तु की स्थिति तीन परस्पर लंब अक्षों द्वारा व्यक्त की जाती है। ये तीनों अक्ष OX, OY, OYZ होते हैं तथा इन तीनों अक्ष के परितः सरल रेखीय गति लीनियर मोशन दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त वायु को इन्हीं
तीन अक्षों पर घूमने वाली गतियां दी जा सकती हैं। इस प्रकार वस्तु की छह गतियां आप देख सकते हैं, जो कि तीन घूर्णन और तीन आपका घूमने वाली गतियां होती हैं। तीन सरल रेखीय गतियों तथा तीन घूर्णन गतियों, जिन पर फिक्सचर में एक वर्कपीस के सहारे जिस पे वर्कपीस के सहारे या वर्कपीस या कारखंड के सही लोकेशन के लिए छह सतायात या 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर रोक लगाई जा की व्यवस्था करने आवश्यक। वस्तुओं की आकृति पर आधारित उनकी सतहों तथा किनारों की में कुछ प्राकृतिक आकृतियां अवश्य। वस्तुओं की आकृति पर आधारित उनकी सतहों तथा कोणों के कुछ प्राकृतिक परस्पर संबंध होता है। जैसे हम कहें कि आयताकार व वर्गाकार सतहों के परस्पर तलों के बीच 90 डिग्री कोण होता है, जबकि त्रिभुजाकार सतहों की दो आसन्न भुजाओं के मध्य कोण 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो ये तो सारा हमारा कुछ टॉपिक था।